नमस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ी अपनी इस चर्चा की श्रृंखला में आज हम राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवाद की यह जो हमारी पूरी चर्चा है वह मुख्य रूप से दो भागों में बटी होगी। आज की इस चर्चा में हमारा ध्यान पश्चिमी सैद्धांतिकरण में राष्ट्रवाद के विचार के उभार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने से पर होगा, और हम यह कोशिश करेंगे कि हम यह समझ पाएं कि पश्चिम में किन परिस्थितियों में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का उभार हुआ, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद की किन तत्वों को राष्ट्रवाद का मुख्य तत्व माना जा सकता है, राष्ट्रवाद के कितने रूपों को आमतौर पर प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रवाद के संदर्भ में हमारी चर्चा में हम कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। और हमारा जो अगला हमारी जो अगली चर्चा होगी उसमें ज्यादातर हम उत्तर औपनिवेशिक देशों में, जिसके केंद्र में हम भारत को रखेंगे, या हम यह कह सकते हैं कि हम भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े कुछ सैद्धांतिक विमर्शों की बातचीत करेंगे। और हमारी यह कोशिश होगी कि हम एक ऐसी समझ बना पाए राष्ट्रवाद के बारे में जिससे सिर्फ राष्ट्रवाद का इतिहास ही हमारे सामने स्पष्ट ना हो, बल्कि हम यह भी समझ पाए कि कैसे विभिन्न विद्वानों ने या विभिन्न धाराओं के विद्वानों ने राष्ट्रवाद को आलोचनात्मक रूप से देखा है। तो यह जो पूरी चर्चा है उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम राष्ट्रवाद से जुड़े विभिन्न आलोचनात्मक आयामों की एक समझ बनाएं। एक तो सबसे आरंभिक स्तर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि नेशन वर्ड जो कि जिससे कि राष्ट्रवाद शब्द आया है उसका प्रयोग 17वीं सदी से हो रहा है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द नासी से हुई थी जिसका अर्थ था जन्म लेना। यह लोगों के समूह के बारे में बताता है जो जन्म या जन्म स्थान के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने मूल अर्थ में यह लोगों की प्रजाति या नस्ल के बारे में बताता है। इसका आरंभिक दौर में कोई राजनीतिक अर्थ नहीं था। राष्ट्र और राज्य के बारे में अगर हम बातचीत करें तो यह काफी पेचीदा या महत्वपूर्ण प्रश्न या पहलू बन जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो यह एक ऐसे विचार के रूप में या एक ऐसे तत्व के रूप में सामने आता है जिसे तकरीबन स्वाभाविक माना जाता है। हम सब यह मानकर चलते हैं कि राष्ट्र जो है वो हमारे जीवन का स्वाभाविक अंश है, स्वाभाविक हिस्सा है, और कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया में हमेशा ही राष्ट्र रहे हैं, हालांकि हकीकत यह नहीं है। और आज जिस रूप में राष्ट्र और राज्य को एक पर्यायवाची शब्द के रूप में समझा जाता है उसे भी समझने की आवश्यकता है। हैंस कॉन नाम के विद्वान ने यह विचार व्यक्त किया कि राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य की यानी कि नेशन स्टेट की मांग करता है। राष्ट्र राज्य का निर्माण राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। मैक्स वेबर के अनुसार राष्ट्र की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, राष्ट्र भावनाओं का एक समुदाय है जो खुद को अपने राज्य में सही तरीके से अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा या आंदोलन है जो एक विशिष्ट राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहता है। और मैक्स वेबर का जो यह विचार है वह इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि असल में वो जो अलग अलग तरीके के राष्ट्र होते हैं उनकी एक सोच के बारे में भी हमारे सामने एक तस्वीर रखता है। वेबर कहते हैं कि आधुनिक राज्य में हर व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखे, हालांकि अलग अलग राष्ट्र राज्यों के राष्ट्र के प्रति निष्ठा के चाह और स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ मैं बेनेडिक्ट एंडरसन के विचारों को भी रखना चाहूँगा जिन्होंने अपनी पुस्तक इमेजिंड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन्स एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस 1983 में राष्ट्र के बारे में विचार व्यक्त किया। एंडरसन का विचार हाल के दौर में काफी महत्वपूर्ण विचार माना जाता है, और एंडरसन ने इस बात पर जोर दिया कि जो राष्ट्र है वो एक इमेजिंड कम्युनिटीज के रूप में है, एक कल्पित समुदाय जिसको कि कुछ लोगों ने कल्पना के आधार पर तैयार करने की कोशिश की, कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास घटनाओं के कारण वो एक कल्पना के रूप में तैयार हो पाई, और इस संदर्भ में वो मुख्य रूप से प्रिंटिंग प्रेस के उभार को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं
और उनका यह मानना है कि जब लोग एक दूसरे के साथ वैचारिक आदान प्रदान करने में समर्थ हो पाए तो ये एक ऐसे समुदाय के रूप में उभर कर सामने आया जिसमें रहने वाले लोगों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया। एंडरसन जो कहना चाह रहे हैं वह यह बात है कि असल में जो राष्ट्र होते हैं उसमें रहने वाले लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को जाने, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका एक दूसरे से जुड़ाव हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवन में कभी वो एक दूसरे से मिले, लेकिन मोटे तौर पर एक कल्पना के भीतर वो सब एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि एक राष्ट्र के भीतर रहने वाला एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानियों से अपने आप, परेशानी अगर हम शब्द ना भी कहें तो उसके जीवन से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। यानी कि अगर हिंदुस्तान को अगर हम एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो त्रिपुरा में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, हर जगह के व्यक्ति से एक तरह का जुड़ाव विकसित होता है और ये एक इमेजिनेशन के रूप में पैदा होने वाली चीज है जिसमें कि बहुत सारे तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एक चीज हमें ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि, और ये बहुत ही आम फहम बात है, हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई बात है कि जब भी हम राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हर राष्ट्र के पास अपना राज्य होता ही है। यह जरूर है कि आधुनिक दौर में हर राज्य एक तरह के राष्ट्रवाद की कल्पना करता है, तो अगर और कई बार जो राष्ट्र एक राष्ट्र राज्य के भीतर होते हैं लेकिन वो जो प्रमुख राष्ट्र राज्य होता है उससे अलग अपने आप को परिभाषित करना चाहते हैं तो उन्हें पृथकतावादी आंदोलन का दर्जा दे दिया जाता है, उनकी उन्हें कई तरीके से समायोजित करने या सप्रेस करने की कोशिश की जाती है और हर राष्ट्र राज्य के भीतर हम इस तरह की स्थिति देख सकते हैं। और ये जो एक स्थिति है वो इस रूप में सामने आती है कि अक्सर यह माना जाता है कि जो ऐसे प्रवृत्तियों को रखने वाले समूह हैं वो वास्तविक जो बड़ा राष्ट्र राज्य उसका नुकसान कर रहे हैं। आगे हम इस पहलू पर फिर से वापस लौटेंगे और हम इस पर गहराई से विचार करेंगे। तो ये जो एक आयाम है राष्ट्रवाद और आधुनिक राज्य के बीच के संबंध का वह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आयाम है और हमें इसे समझने की जरूरत है। राष्ट्रवाद का जो विचार है वो आधुनिक राज्य के साथ ही उभर कर सामने आया और 16वीं और 17वीं सदियों के आसपास यूरोप में केंद्रीकृत आधुनिक राज्य का उभार हुआ। राष्ट्रवाद का उभार 18वीं सदी के आखिरी दशकों में और 19वीं सदी में हुआ। आधुनिक राज्य की स्थापना से पहले की स्थितियों को समझना यहाँ पर आवश्यक है। अगर हम आधुनिक राज्य के पहले की स्थितियों को देखें तो हम यह पाएंगे कि यूरोप में एक तरीके से सामंतवादी स्थिति थी और इस सामंतवादी स्थिति में जो सत्ता का केंद्र था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक चर्च और दूसरा जो था वो राजा या शासक हुआ करता था। अधिकांश मामलों में जो राजा या शासक था उसकी स्थिति कमजोर थी क्योंकि वह फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स पर निर्भर था और यह फ्यूडल लॉर्ड्स पर निर्भर था, हमें इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो काफी हद तक जो किसान थे, भूदास थे, उनसे कर लेते थे और उनके पास अपनी सेना का विकास भी हो जाता था और इसके कारण से सेना के लिए या फिर टैक्स के लिए जो राजा होता था वह काफी हद तक इन पर निर्भर रहता था। कई मामलों में यह माना जाता था कि वह समान लोगों में प्रथम के रूप में है। जो चर्च था उसकी स्थिति इसलिए मजबूत थी क्योंकि वह भी कुछ टैक्स लिया करता था और कई सारे मामलों में लोगों के जीवन पर उसका नियंत्रण ज्यादा होता था। लेकिन जैसे जैसे जो और जो उस समय की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर थी, लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद का उभार हुआ, जैसे जैसे नई तकनीकें आई, जैसे जैसे एक ऐसा समूह विकसित हुआ जो कि चर्च के दखलंदाजी से खुद को मुक्त करना चाहता था, वैसे वैसे बहुत से स्थानों पर निरंकुश राजाओं का उभार हुआ और इन निरंकुश राजाओं ने चर्च की जो भूमिका थी उसको काफी सीमित कर दी और इसमें काफी हद तक जो एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ क्रिश्चियनिटी के भीतर, जिसमें कि मार्टिन लूथर ने एक नए पंथ की शुरुआत की प्रोटेस्टेंट धर्म की और इसके दौरान कैथोलिक धर्म की काफी आलोचना की गई क्योंकि वह लोगों की जो लौकिक जीवन था, जो उनकी आम जिंदगी थी, उसमें बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहा था और वह खुद को ईश्वर के और लोगों के बीच के एक ब्रोकर के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।
जिसमें यह माना जाता था कि कैथोलिक चर्च जो है वह लोगों की तमाम जीवन की जो उनकी पद्धति है, जो उन्होंने अपने जीवन भर किया है, उन सभी चीजों के बावजूद उन्हें ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसके विरोध के रूप में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का या प्रोटेस्टेंट धर्म का उभार हुआ और इसने खुद कैथोलिक धर्म के भीतर एक सुधार की प्रवृत्ति को जन्म दिया। और इन सब परिस्थितियों में काफी मजबूती से जो एक धारा है मजबूत राज्य की, वह उभर कर सामने आई। और यह जब मजबूत राज्य उभर कर सामने आने लगे तो इन्हें अपने से लोगों को जोड़े रखने के लिए एक तरीके से एक ऐसे विचार की आवश्यकता हुई जिसके आधार पर वे अपने लिए लेजिटिमेसी क्लेम कर सकते थे। और राष्ट्र जो है वो एक ऐसे विचार के रूप में सामने आया जिसमें यह कहा गया कि एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोग एक राष्ट्र के सदस्य हैं और उसमें लोगों की भाषा, लोगों की परंपरा, लोगों के सांस्कृतिक मूल्य, इन सब चीजों को एक प्रमुख कारक के रूप में देखा गया। आगे जब हम राष्ट्र के प्रमुख अवयवों को या प्रमुख कारकों को देखेंगे तो हम इन पहलुओं पर एक बार फिर से विचार करेंगे कि राष्ट्र के लिए कौन कौन से तत्व जो थे वो एक प्रमुख कारक के रूप में थे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम यह देखेंगे कि मध्य युग से आधुनिक युग की तरफ बढ़ते हुए किस तरीके से, जैसे मैंने चर्चा की, सामंती और धार्मिक शक्तियां कमजोर हुई और उभरते व्यापारी वर्गों की मदद से निरंकुश राजाओं का उभार हुआ और धीरे धीरे पूंजीवाद ने सामंतवाद की जगह ले ली। तो यह एक बड़ा परिवर्तन था और इस तरह ऐसे राज्यों का निर्माण हुआ जिनके पास प्रभुसत्ता, जनसंख्या केंद्रीकृत और सुनिश्चित भू सीमा थी। तो ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसकी समझ हमें रखनी होगी अगर हम वास्तविक अर्थों में राष्ट्रवाद की समझ बनाना चाहते हैं तो। और इसके बाद राष्ट्रवाद का जो एक सिद्धांत है वह निरंकुश राजाओं के संदर्भ में ही उभर कर सामने आया। यहाँ पर जनसंख्या का कुछ खास कसौटियों के आधार पर एक मानकीकरण किया गया, यानी कि उनको कुछ नॉर्म्स बनाए गए और यह कहा गया कि ये ऐसे मानक हैं जो भी लोग इसके इन मानकों की या इन कसौटियों पर खड़े उतरते हैं वो लोग इस राष्ट्र राज्य के सदस्य हैं। और राज्य किसी जनसंख्या के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया गया जो सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय रूप से समरूप हो, यानी कि जो राष्ट्र राज्य का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी संदर्भ में उभर कर सामने आया। आरंभ में बुर्जुआ वर्ग ने आधुनिक राज्य का समर्थन किया, इसलिए इसकी मांगों के अनुसार आधुनिक राष्ट्र राज्य का स्वरूप भी बदला 19वीं सदी में बहुत से निरंकुश राज्य संवैधानिक राज्य में बदल गए। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो आधुनिक राज्य का उभार हुआ वह सिर्फ एक निरंकुश राजाओं का ही काम नहीं था कि उन्होंने चर्च की सत्ता को चुनौती दी और खुद को स्थापित किया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काफी हद तक जो एक बुर्जुआ वर्ग था जिसके पास उत्पादन के साधन थे उसकी भी बड़ी भूमिका रही। तो जब राज्य का उभार हुआ तब इस बुर्जुआ वर्ग को एक निरंकुश राजा के समर्थन की आवश्यकता थी ताकि वो उसके लिए रास्ता आसान करे और वह चर्च के दखलंदाजी को भी रोके। लेकिन बाद में जैसे जैसे बुर्जुआ वर्ग की अपनी जरूरतें बदली वैसे वैसे आधुनिक राष्ट्र राज्य का स्वरूप भी बदला, जिसके कारण से कई आधुनिक जो राष्ट्र राज्य हैं वो निरंकुश राज्य से संवैधानिक शासन की ओर गए और कई स्थानों पर जनता ने राष्ट्रवाद का सहारा लेकर निरंकुश शासन का विरोध किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ऐसा फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में हुआ। अगर हम अमेरिकी क्रांति को देखें तो वहां भी काफी हद तक एक राष्ट्रवाद की भावना थी जो कि बाद में और मजबूती से स्थापित हुई। 18वीं सदी के आखिर में 18वीं सदी के आखिर में इसे राजनीतिक अर्थ मिलना शुरू हो गया था। इस समय कई लोगों या समूहों को राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट का दर्जा दिया जाने लगा। 1789 में जैकोबिन विरोधी फ्रांसीसी पादरी ऑगस्टीन बारोए द्वारा सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया गया। हम लोगों ने राष्ट्र शब्द पर ध्यान दिया था पर अभी राष्ट्रवाद की अवधारणा सामने आई। 19वीं सदी के मध्य में इसे एक महत्वपूर्ण विचार माना जाने लगा और यह माना गया कि यूरोप में 1848 में हुई क्रांतियों में राष्ट्रवादी भावना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके उदय से
पूर्व सामंतवादी स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों के लोग खुद को सामंतों और सामंत खुद को बड़े साम्राज्य के भाग के रूप में देखते थे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है। फ्रांसीसी क्रांतियों ने लुई 16वें के खिलाफ क्रांति फ्रांसीसी लोगों या फ्रांसीसी राष्ट्र के नाम पर की थी। वे रूसो और स्वशासन के विचारों से प्रभावित थे। इस रूप में यह लोगों को प्रजा के बजाय नागरिक के रूप में स्थापित करने वाला लोकतांत्रिक विचार था। और इसके बाद अगर हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देखें तो वहां भी राष्ट्रवाद की प्रमुख भूमिका थी और बहुत से उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में, मिसाल के तौर पर हमारे देश के आंदोलन में भी राष्ट्रवाद एक प्रमुख प्रेरणा का स्रोत रहा। और इसके प्रभावों के बारे में भारतीय संदर्भ में और तीसरी दुनिया के संदर्भ में हम आगे और विचार करेंगे। राष्ट्रवाद और आधुनिक संस्कृति पर अगर के संबंधों पर अगर हम विचार करें तो वहां भी हमें कई महत्वपूर्ण आयाम देखने को मिलते हैं। कार्ल वल्फिंग ड्यूस ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन में यह तर्क दिया कि राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक और सामाजिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो आधुनिक समय में जो परिवर्तन हुए उसके कारण ही राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया। और आधुनिक संचार इस तरीके का एक प्रमुख संयंत्र है जिसने कि विभिन्न समुदायों के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम किया। अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी पुस्तक नेशंस एंड नेशनलिज्म में यह तर्क दिया है कि कई बार राष्ट्रवाद ने पहले से मौजूद संस्कृतियों को राष्ट्र में बदल दिया, कई बार इसने संस्कृतियों का निर्माण किया और पहले से मौजूद संस्कृतियों को नष्ट किया। तो ये जो राष्ट्रवाद एक विचार के रूप में जो आया उसका जो काम है उसके बारे में गेलनर की यह पूरी अभिव्यक्ति काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें भी हम मानते हैं कि जो राष्ट्र है वो राष्ट्रवाद को नहीं बनाते हैं, बल्कि राष्ट्रवाद जो पहले एक विचार के रूप में आ जाता है वह राष्ट्र को बनाता है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रवाद का सिद्धांत पूर्व आधुनिक संस्कृतियों पर समरूप होने का दबाव डालता है और इनमें बदलाव करता है। अब यह जो समरूप होने का दबाव है वह तर्क काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तर्क के का जो पूरी बुनियाद है वह यह है कि राष्ट्रवाद आधुनिक समय से पहले जो संस्कृतियां जैसे थीं उन्हें वैसे नहीं रहने देता है, बल्कि वह उनमें कुछ बुनियादी बदलाव करता है। राष्ट्रवाद के पास अपने कुछ मानक होते हैं जो कि आधुनिकता से प्रभावित विचारों से प्रेरित होते हैं और वो एक व्यापक समूह को उसके आधार पर ढालने की कोशिश करता है। तो या तो वो पहले से मौजूद संस्कृति को एक राष्ट्र का रूप दे देता है, या फिर उसमें अगर कोई ऐसी संस्कृति है जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना के अनुसार नहीं है तो उसे नष्ट करता है। मिसाल के तौर पर फ्रांस में यह माना जाता है कि जो फ्रांसीसी जो फ्रेंच भाषा थी वह अल्पत की भाषा थी, लेकिन आधुनिकीकरण के साथ उसे जब राष्ट्रवाद का उभार हुआ तो फ्रेंच को सिखाया गया बहुत सारे लोगों को जबरन, कई लोगों को इसके लिए सजा दी गई, बहुत सारे लोगों को हजारों लोगों को मारा गया क्योंकि वो फ्रेंच को मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो एक इमेजिनेशन के रूप में एक परिकल्पना के रूप में लोगों के ऊपर थोप दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि वह मौजूद संस्कृति जो एक समाज में होती है उसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इसमें खतरा है जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि राष्ट्रवाद चाहे जिस भी रूप में संस्कृति का निर्माण करे हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ही ऐसा होता है कि कुछ संस्कृतियां बाहर छूट जाएंगी। कई बार वो तबका बड़ा होगा, कई बार वो तबका छोटा होगा, लेकिन जब भी मानकीकरण या फिर एक तरीके के नॉर्मलाइज करने की कोशिश होगी चीजों को तो उसमें कुछ चीजें या बहुत सारी चीजें सम्मिलित होंगी पर बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और इससे राष्ट्रवाद एक तरीके से टकराव को भी जन्म देता है। गेलनर इस बात पर जोर देते हैं कि जो छोटी परंपराएं होती हैं अक्सर उन्हें मिटा दिया जाता है, बड़ी परंपराओं को बड़ा रूप देकर उन्हें समरूप बनाया जाता है। ये समरूप बनाने वाला जो पहलू है वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि जो विविधता जो आधुनिक युग के पहले के दौर में मौजूद थी उसे मिटाया जाता है बड़े परंपराओं के भीतर भी, और फिर इन परंपराओं के आधार पर आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। गेलनर यह भी बताते हैं कि राष्ट्रवाद का आधुनिक औद्योगिक समाज की जरूरतों से संरचनात्मक जुड़ाव होता है और जैसे जैसे ये जरूरतें बदलती हैं वैसे वैसे राष्ट्रवाद का स्वरूप भी बदलता है।
तो इस रूप में बहुत से बार यह तर्क दिया जाता है कि जो गेलनर का विचार है उसके आधार पर हम मौजूदा समय में राष्ट्रवाद के काम करने के तरीके को ज्यादा बेहतर रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि गेलनर यह बताते हैं कि किस तरीके से जो एक राष्ट्रवाद का विचार है वह सामने आता है। अब अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान का उदाहरण भी ले सकते हैं, पर मैं भी पाकिस्तान का उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो एक धर्म बना उसमें वो मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग और उससे जुड़े कुछ बुद्धिजीवियों के दिमाग की उपस्थिति, रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब यह जो पाकिस्तान की जो पूरी परिकल्पना थी, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो थी उसके पहले मुस्लिम नहीं थे, उसके पहले एक जो ऐसी संस्कृति नहीं थी जिसे कि हम मुस्लिम संस्कृति के रूप में जाने, लेकिन जब राष्ट्रवाद आया तो उसने इनकी शिनाख्त की कि किस आधार पर हम एक खास तरीके से किसी राष्ट्र राज्य की या किसी राष्ट्रवाद की कल्पना कर सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्रवाद की कल्पना कर सकते हैं। और उसमें फिर जो एक प्रभुत्वशाली विचार उभर कर सामने आया, यानी कि इस्लामिक पहचान का विचार, उसको मजबूती से पकड़ा गया, उसको सहारा दिया गया कि इसे एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में उभारना है। और उसके बाद जो अन्य छोटी परंपराएं थी उनका दमन किया गया। छोटी परंपराओं का अर्थ क्या है कि अगर आपने पाकिस्तान के विचार को अपना लिया मिसाल के तौर पर, तो आप एक बड़े एक इस्लामिक और मोटे तौर पर लोकतांत्रिक या कई बार गैर लोकतांत्रिक भी विचार को अपना रहे हैं। तो इसमें जो छोटी छोटी पहचानें थी, मिसाल के तौर पर बांग्ला होने की पहचान, बांग्ला भाषी होने की पहचान, मिसाल के तौर पर बलूच होने की पहचान, और भी कई ऐसी पहचानें हैं जिन्हें कि दबाना था, जिन्हें कि पीछे छोड़ना था। तो ये छोटी परंपराएं होगी, बड़ी परंपराएं इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र का निर्माण करने का हो गया, और इसने फिर इन छोटी परंपराओं को दमन करने का काम किया। तो आप अगर अपने आप को वास्तविक पाकिस्तानी कहते हैं तो आपको 1971 के पहले खुद को बांग्ला भाषी के रूप में पेश नहीं करना चाहिए, आपको एक तरह की भाषा को वरीयता देनी चाहिए और वह उर्दू। अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो फिर आपको बलूच संस्कृति की बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से एक तरह का दमन का दौर चला। और उसके बाद हम यह देख सकते हैं कि एक समय के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। मैं सिर्फ यह बोलना चाह रहा हूँ कि गेलनर का जो पूरा वर्णन है वह एक तरीके से जो दक्षिण एशियाई देश हैं या दुनिया के और भी देशों की हम बात करें तो उनके भीतर राष्ट्रवाद के कार्य को काफी आलोचनात्मक तरीके से देखता है और आलोचनात्मक तरीके से उसकी विवेचना प्रस्तुत करता है। आगे जब हम हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे तो हम इन पहलुओं के बारे में और ज्यादा गंभीरता से बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से विकसित हुआ, उसके किस तरीके से उसके बारे में वाद विवाद रहे हैं। अभी मैंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया ताकि आप गेलनर के विचारों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। बहरहाल एक विचारधारा के रूप में वर्णित करने में के लिए राष्ट्रवाद को अगर हम वर्णित करना चाहते हैं तो उसमें कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन तरह की समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि कई बार इसे पूर्ण विचारधारा के बजाय एक राजनीतिक मत के रूप में देखा जाता है। दूसरा कि कई बार इसे बुनियादी रूप से मनोवैज्ञानिक परिघटना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा, राष्ट्रवाद कई बार ऐसी परिघटना के रूप में सामने आता है जिसे तकरीबन हर विचारधारा के साथ जोड़कर उस रूप में राष्ट्रवाद की कल्पना की जाती है। मसलन यह कहा जाता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद या मार्क्सवादी राष्ट्रवाद या फिर अनुदारवादी राष्ट्रवाद के क्या विचार हो सकते हैं। और तो ये जो समस्या है वो यही है कि राष्ट्रवाद अपने आप में इतने ठोस विचार के रूप में सामने नहीं आ पाया। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं जिसकी कुछ सुनिश्चित विशेषताएं हों, इसे हर रूप में ढाले जाने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन इसके बावजूद हम राष्ट्रवाद की कुछ बुनियादी तत्वों को रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो राष्ट्रवाद का जो बुनियादी तत्व होता है वह होता है राष्ट्र। अब जो नेशन होता है या राष्ट्र जो होता है वह सबसे बुनियादी स्तर पर उन्हें सांस्कृतिक निकायों के रूप में कल्चरल बॉडीज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह ऐसे लोगों का समूह होता है जो साझा मूल्यों और परंपराओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि ऐसे मूल्य हैं जिससे सभी लोग खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं और वो समझते हैं
कि जिन मूल्यों का वाहक वे हैं उन्ही मूल्यों के साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनके राष्ट्र के सदस्य हैं। ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो साझा मूल्यों और परंपराओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अमूमन इनकी इनकी साझा भाषा होती है, धर्म इतिहास होता है और अमूमन ये एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो ये इस आधार पर एक राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। लेकिन जो अलग अलग जो तत्व हैं राष्ट्र के, मतलब धर्म भाषा इतिहास, तो इन तत्वों में से कुछ तत्वों ने कुछ विभिन्न देशों में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिसाल के तौर पर यूरोपीय राष्ट्रों में भाषा राष्ट्र का आधार बनी, जर्मनी राष्ट्रवाद का आधार जर्मन भाषा, उसी तरीके से फ्रेंच राष्ट्रवाद का आधार फ्रेंच भाषा बनी। तो ये एक भाषा जो है वो एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में इसने काम किया यूरोप में। लेकिन धर्म और साझा इतिहास की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में। और दूसरा एक ऑर्गेनिक समुदाय का विचार है। ऑर्गेनिक समुदाय जो है वो एक तरीके से ऐसा विचार है जिसमें कि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो एक तरीके से व्यक्ति नहीं, समुदाय में बात करना चाह रहा हूँ कि अगर जो एक समुदाय है वो एक प्राणी के रूप में है, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के रूप में है, तो ऐसे में जो व्यक्ति हैं वो उस प्राणी के, जैसे कि मान लीजिए मैं व्यक्ति कहूँ या कोई जानवर कहूँ कोई पशु कहूँ, एक प्राणी के रूप में है, तो सारे व्यक्ति जो उस समुदाय के भाग हैं जिसे हम राष्ट्र कह रहे हैं या उसमें वो अलग अलग स्थान रखते हैं। जब हम किसी समुदाय को ऑर्गेनिक समुदाय के रूप में में प्रस्तुत करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उसके भीतर एक बुनियादी एकता के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं कि ये सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे शरीर के सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई कहीं भी चोट लगती है तो दूसरे अंग को कष्ट होता है। दूसरी इसकी बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि इसमें एक तरीके का कि हायरार्की भी है, पदसोपान भी है। हायरार्की का मतलब यह है कि हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हायरार्की बना सकते हैं कि कौन सा अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन अंग तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक सोसाइटी के भीतर भी यह धारणा है, उसके भीतर एक हायरार्की की चीज होती है। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण हम बात कह सकते हैं वह यह है कि ऑर्गेनिक जो किसी चीज को ऑर्गेनिक मानने का या ऑर्गेनिक थ्योरी के हिसाब से उसको देखने का अर्थ यह होता है या ऑर्गेनिक कम्युनिटी के रूप में प्रस्तुत करने का अर्थ यह होता है कि यह माना जाता है कि अगर संपूर्ण को ऑर्गेनिक कम्युनिटी को ही खतरा हो जाए तो और जरूरी हो तो ऑर्गेनिक समाज के कुछ अंगों को हम कुर्बान कर सकते हैं, उनको बलिदान कर सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है। अगर पूरे शरीर को खतरा हो और हमें यह पता हो कि हमारा एक आंख निकाल देने से या हमारी हमारे एक हाथ को हमारे शरीर के अलग कर देने से हमारे अस्तित्व की रक्षा हो सकती है तो ऐसा किया जा सकता है। अब जो राष्ट्रवाद के भीतर अलग अलग तरीके के रूप रहे हैं उन्होंने ऑर्गेनिक समुदाय के अलग अलग अर्थों को अपनाया है। मिसाल के तौर पर और आगे हम इस चीज को देखेंगे, मैं बस आपको इशारा कर रहा हूं कि अगर कोई राष्ट्र उदारवादी कोई देश या राष्ट्र राज्य उदारवादी राष्ट्रवाद के हिसाब से काम करता है तो वह कभी भी इस सीमा तक नहीं जाएगा कि किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से कुर्बान कर दो समुदाय के हित के लिए। बहुत ही कम ऐसे उदाहरण होंगे, मिसाल के तौर पर कुछ अपराध जिन्हें की जिनके लिए सजाए मौत का प्रावधान हो, लेकिन आमतौर पर वहां पर ऑर्गेनिक समुदाय का जो पहला अर्थ है कि सारे अंग जो है वो महत्वपूर्ण है और उनके सहयोग से कोई काम हो रहा है उस पर बल दिया जाएगा। लेकिन उसी तरीके से अगर नाजीवादी या फासीवादी राज्य हो तो वो बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक हितों को ऑर्गेनिक कम्युनिटी के हितों को हासिल करने के लिए दूसरे सारे अंगों की कुर्बानी दे सकता है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक कम्युनिटी का जो पूरा आइडिया है वह राष्ट्रवाद का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अलग अलग तरीके के जो राष्ट्रवाद की धारणाएं हैं उनमें अलग अलग तरीके से इसे अभिव्यक्त किया गया है। इसके अलावा जो एक अन्य विशेषता है इस राष्ट्रवाद की वह आत्मनिर्णय के अधिकारों से जुड़ी हुई है।
आत्मनिर्णय का जो एक प्रमुख अर्थ है वह यह है कि एक जो राजनीतिक विचारधारा होती है राष्ट्रवाद के रूप में, वह यह चाहती है कि जो राष्ट्रीय समुदाय हैं उन्हें अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार मिले। यानी कि अगर मान लीजिए कि जब हिंदुस्तान में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो जब हम आज़ादी की बात कर रहे थे कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, तो राजनीतिक रूप से उसका पहला और सबसे प्रमुख अर्थ यही था कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे कि हमें यह तय करने का हक हो कि हम क्या चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद ने उसकी मांग की। अभी हम जिन राष्ट्र राज्यों के भीतर कई तरीके के उपराष्ट्रीय समूहों को देखते हैं जो कि अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करती हैं, तो वहां भी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कही जाती है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में अपना भविष्य, अपना रास्ता तय करने का अधिकार है। हालांकि कई बार इसे यह कहा जाता है इसके बारे में, इस तरीके के आंदोलनों के बारे में, पृथकतावादी हैं, लेकिन जो मुख्य बात मैं बोलना चाह रहा हूँ वह यह है कि जो आत्मनिर्णय का अधिकार है वह राष्ट्रवाद के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर तरीके का जो राष्ट्रवाद है उसके भीतर हर किसी को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला हो। अलग अलग जो राष्ट्रवाद के जो रूप होते हैं, जिन्हें कई बार उपराष्ट्रीयता कहा जाता है, उनमें लोगों को यह अधिकार नहीं मिलता है। इसके अलावा एक पहचान की राजनीति भी राष्ट्रवाद की एक प्रमुख विशेषता है, और हर प्रकार के राष्ट्रवाद के साथ पहचान की राजनीति जुड़ी होती है। अमूमन यह देशभक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है। पैट्रियटिज्म जो है, जो कि देशभक्ति का अंग्रेजी शब्द है, उसके लिए वह लैटिन शब्द पैट्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है फादरलैंड। देशभक्ति अपनी जन्मभूमि से प्यार से संबंधित है, लेकिन अमूमन यह विवादित हो जाता है क्योंकि राष्ट्रवाद में पहचान को प्रभुत्वशाली वर्ग के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार परिभाषित किया जाता है। अब एक बार फिर से हम पाकिस्तान के उदाहरण पर जाएंगे। मैं हिंदुस्तान के उदाहरण को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अगले क्लास में हम हिंदुस्तान के में राष्ट्रवाद पर काफी बात करेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बजाय और भी किसी देश का उदाहरण लें, तो ये बात सामने आएगी कि अमूमन जिसे हम राष्ट्र से प्रेम को अभिव्यक्त करना कहते हैं उसका क्या मतलब है। उसका मतलब यह होता है कि आप राष्ट्र के झंडे का सम्मान करें, उसके संविधान का सम्मान करें, राष्ट्र की जो कुछ प्रमुख पहचाने हैं वो जिस रूप में खुद को अभिव्यक्त कर रही है उसको आप माने। तो अगर उर्दू राष्ट्रभाषा है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की, तो आप उसका सम्मान करें। या फिर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ जो संवैधानिक मूल्य है, वहाँ का जो झंडा है, वहाँ का जो कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रतीक हैं, जिन्हें की बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, उनका सम्मान करें। और आप ध्यान देंगे कि जब भी कोई दूसरा समूह, दूसरा समुदाय खुद को एक अलग राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करता है, तो वह इसी बात पर जोर देता है कि वह दूसरे प्रतीकों को, दूसरे पहचानों को अपना लेता है। तो अगर हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन के समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग ने यह कहा कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र है, तो उन्होंने कुछ अलग मानकों को बताया कि वह ऐसा क्यों है। उसी तरीके से जब बांग्लादेश ने अपनी मुक्ति का संघर्ष चलाया, तो वहां भी कुछ अलग तत्व उभर कर सामने आए। तो यह एक ऐसी चीज है जो कि हर राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हमेशा ही एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय हो सकता है, होता है, जो कि इन पहचानों से खुद को अलग थलग पाता है। और हर राष्ट्रवाद की चुनौती यही होती है कि वह इन अल्पसंख्यक या बहिष्करण हासिल करने वाले या फिर बहिष्करण की सीमा रेखा पर खड़े समुदायों के साथ कैसे संवाद करता है, और वह काफी हद तक उस राष्ट्रवाद की प्रकृति को भी तय करता है। तो पहचान राष्ट्रवाद के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सीमित चीज भी है, क्योंकि यह इससे कई समूहों के बाहर छूट जाने का खतरा होता है। तो अब हम राष्ट्रवाद की प्रमुख धाराओं पर आगे विचार करेंगे, और जिसमें कि उदारवादी राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख धारा के रूप में है। उदारवादी राष्ट्रवाद की जो एक प्रमुख विशेषता है वह यह है कि इसने अपने स्वरूप को भी काफी बदला है, और जिस तरीके से उदारवाद के भीतर काफी कुछ बदलाव आया है, वैसा बदलाव हम उदारवादी राष्ट्रवाद के भीतर भी देख सकते हैं। इसके कुछ पहलुओं की तरफ मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आगे कुछ अन्य चर्चाओं में ये बातें फिर से वापस आएंगी।
एक तो उदारवादी राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद का सबसे पुराना रूप माना जा सकता है, जैसे मैजनी ने इसे इटली के संदर्भ में विकसित किया। वुड्रो विल्सन का प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री कार्यक्रम भी इससे संबंधित था। इसमें उदारवादी राष्ट्रवाद को प्रमुख स्थान दिया गया। इसमें उदारवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। उदारवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने का अर्थ क्या है? उदारवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने का अर्थ यह है कि एक तरह की सहिष्णुता हो सभी नागरिकों के प्रति, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ाव रखें। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी की भावना राष्ट्रवाद के साथ होती है, लेकिन यह ऑर्गेनिक कम्युनिटी की भावना जब उदारवादी राष्ट्रवाद में आती है तो वो एक सॉलिडेरिटी के रूप में होती है। लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति की कुछ बुनियादी जो अधिकार होते हैं, जो बुनियादी स्वतंत्रताएं होती हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, ऐसे स्वतंत्रताएं जिन्हें हम अपने संविधान के मूल अधिकारों में देख सकते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान के मूल अधिकारों में देख सकते हैं, उनकी सुरक्षा पर बल दिया जाता है और इसका स्वरूप भी काफी बदलता रहा है। अब मैं दो बिंदुओं की ओर आपका इशारा कर देना, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक तो यह है कि उदारवादी राष्ट्रवाद ने अपने स्वरूप को काफी बदला है और इसमें इस बात का भी प्रयास किया गया है कि अगर कोई ऐसा समूह है जो कि जो व्यापक राष्ट्र राज्य है उससे अलग एक धारा रखता है, उससे अलग विचार रखता है, तो उसे बिल्कुल उसका दमन ना करके उसके साथ संवाद किया जाए और फिर यह कोशिश की जाए कि उसे एकोमोडेट किया जा सके। तो मिसाल के तौर पर बहुसंस्कृतिवाद के भीतर जो ये एक पूरी धारा रही है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो नेशनल माइनॉरिटीज होते हैं उन्हें किस तरीके से सेल्फ गवर्निंग राइट दिया जा सकता है, वह इसी से जुड़ा हुआ है। आगे हम इसके बारे में और दूसरे विषयों के दौरान चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाह रहा हूँ कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश की है। अगर हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें तो काफी ऐसे शब्द हैं इसकी विशेषताओं के रूप में जिनके अर्थ से हम परिचित हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। उदारवादी राष्ट्रवाद यह मानकर चलता है कि जो अगर कोई राष्ट्र है तो उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि राष्ट्र राज्य जो है वह अपने भीतर के हर उपराष्ट्रीय आंदोलन को यह अधिकार सीधे तौर पर तो नहीं देता है, लेकिन उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करता है। तो अगर अपने लिए उसे चाहिए तो वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की बात करता है, लेकिन अगर दूसरे एक राष्ट्र राज्य के भीतर इस तरीके की मांगें उठती हैं तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो है वह दूसरी आवाजों को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, उनका दमन नहीं करता है। दूसरा और इसी से यह जुड़ा हुआ है कि यह समावेशी होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने की प्रवृत्ति होती है। उम्मीद की जाती है कि जो भी समूह या जो भी व्यक्ति या जो भी समुदाय इससे जुड़ेंगे वे वॉलेंटियरी तरीके से स्वेच्छा से इससे जुड़ेंगे। और इसके अलावा यह एक प्रगतिशील विचार है, समय के साथ खुद को बदलता है, रैशनल ह्यूमन बींग्स को मानता है और रैशनल तरीके से अपनी बातों को रखता है। कुछ बुनियादी मानव अधिकारों पर इसका भरोसा है और यह मानता है कि लोगों के जो बुनियादी मानव अधिकार होते हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह जो है वो एक समान राष्ट्र की के विचार को मानता है, यानी कि अगर एक राष्ट्र राज्य के भीतर कुछ दूसरे विचार हैं तो उन्हें भी सम्मान के साथ देखना, या फिर राष्ट्र राज्य के बाहर जो दूसरे राष्ट्र राज्य हैं उनके अस्तित्व को भी समान मानते हुए स्वीकार करना। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर जोर दिया जाता है, एक संवैधानिक तरीके से शासन हो, संविधान का रूप हो, संविधान के अंतर्गत ही जो शासन के विभिन्न रूप होते हैं चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, वो खुद को सीमित रखे। और एक तरीके का बहुलवाद भी यहाँ पर है, बहुलवाद का भी अस्तित्व होता है, उसे स्वीकार किया जाता है और कहीं से भी उसके दमन का प्रयास नहीं किया जाता है। यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के भीतर यह माना जाता है कि एक राष्ट्र के भीतर अलग अलग समुदायों के लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनका अपनी जीवन शैली हो सकती है, तो जो व्यापक राष्ट्र राज्य है उससे उनको जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, उससे अलग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कॉस्मोपॉलिटनिज्म भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म का यहाँ तात्पर्य है कि एक जो अंतर्राष्ट्रीयवाद की जो भावना है जिसमें कि सभी देशों के नागरिक एक तरीके से जुड़े हुए हैं,
या विश्व नागरिकता की जो बात है वह भी इसके साथ जुड़ी हुई है या इस ओर जाने के लिए प्रयासरत रहता है। हालांकि हमेशा ही ऐसा नहीं हो पाया है कि राष्ट्र राज्य की सीमाएं अप्रासंगिक हो गई हों और पूरी तरीके से कॉस्मोपॉलिटनिज्म स्थापित हो गया हो, लेकिन यह एक विचार के रूप में है और उदारवादी राष्ट्रवाद इसे अपने राष्ट्रवाद से एक विरोधाभास की स्थिति में नहीं देखता है, यह नहीं मानता है कि अपोजिशन है। अगर कोई कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात कर रहा है तो वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है, ऐसा इसमें नहीं माना जाता है। इसमें सामूहिक सुरक्षा और ट्रांसनेशनलिज्म पर जोर दिया जाता है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह हुआ कि जो अलग अलग तरीके के देश हैं उनकी सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, और इसका दूसरा पहलू जो है कि पराराष्ट्रवाद या ट्रांसनेशनलिज्म वो काफी हद तक कॉस्मोपॉलिटनिज्म के विचार से ही जुड़ी हुई बात है कि जो दूसरे देश हैं, जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनसे भी एक संबंध होना चाहिए और वो एक गतिशील संबंध के रूप में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम दूसरे तरह के राष्ट्रवाद की बात करें, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म, तो वह भी एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में सामने आता है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण आयाम है वह यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक देश पूरी तरीके से कंजर्वेटिव नेशनलिज्म को अपनाए हुए दिखे, लेकिन हर राष्ट्रवाद के भीतर या हर देश के भीतर आज के दौर में हम ऐसी राजनीतिक धाराओं को देख सकते हैं जो कि काफी हद तक कंजर्वेटिव वैल्यूज को अपनाती हैं, उन्हें बढ़ावा देने का काम करती हैं। 19वीं सदी के आरंभ में रूढ़िवादियों या कंजर्वेटिव्स ने राष्ट्रवाद को एक रेडिकल और खतरनाक शक्ति के रूप में देखा। अब आप मुझे उम्मीद है आपको यह अंदाजा होगा कि जो कंजर्वेटिज्म है, क्योंकि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो कंजर्वेटिज्म है उसके भीतर यह माना जाता है कि कोई भी ऐसी विचारधारा काफी खतरनाक है जो कि एकदम से बनी बनाई प्रथाओं, बनी बनी परंपराओं को खारिज करने की बात करती है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के भीतर क्रमिक रूप से धीरे 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 सुधार करने की बात की जाती है। तो आरंभिक दौर में जब राष्ट्रवाद का विचार उभर कर सामने आया तो कंजर्वेटिव्स ने इसको एक खतरनाक विचार के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यह बनी बनाई परंपराओं को या बनी बनाई स्थिति को पूरी तरीके से खारिज करने से संबंधित है। लेकिन बाद में कई सारे विद्वानों ने जो अनुदारवाद से या रूढ़िवाद, मैं अनुदारवाद और रूढ़िवाद पर्यायवाची शब्द के रूप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंजर्वेटिज्म से जो जुड़े हुए थे, मसलन डिजराइली, उन्होंने राष्ट्रवाद को जो कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं उसको उसी के साथ जोड़ा, और इसमें इस तरीके का जो राष्ट्रवाद होता है उसमें राष्ट्र या देश की परंपरा और इतिहास पर जोर दिया जाता है, और इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो पारंपरिक संस्थाएं हैं या पारंपरिक जीवन शैली है उनके महत्व को स्थापित किया जाए। कई बार इसमें राष्ट्रीय पहचान के खोने या इसके खतरे में होने का डर भी दिखाया जाता है कि हम एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जिससे जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं वो खतरे में पड़ गए हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, और इसके आधार पर समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। फ्रांस में फ्रंट नेशनल ऐसी संस्था है, ब्रिटेन में बीएनपी इसी तरह के राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाला दल है, और उसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि पारंपरिक संस्थाओं की बात करते हैं, जो कि पारंपरिक जीवन मूल्यों या धर्म के मूल्यों की बात करते हैं, और वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो एक ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए जो कि इन पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण करे, जो कि इन पारंपरिक मूल्यों के आधार पर भविष्य की दिशा तय करे बजाय इनके खारिज करने के। तो हम इस चीज को काफी महत्वपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। एक जो खास बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है वह यह है कि जब पारंपरिक मूल्यों या फिर एक उसके आधार पर एक पारंपरिक जीवन शैली या एक अनुशासनबद्ध जीवन शैली जिसमें कि पारंपरिक जीवन मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाए, जब वो एक चरम स्थिति में पहुंचती है तो उसमें फिर फासीवाद या फिर नस्लवाद या नाजीवाद की का खतरा भी मौजूद रहता है, जिसमें कि यह माना जाता है कि जो प्रभुत्वशाली समूह है, जो प्रमुख समूह है, उसके जो पारंपरिक मूल्य हैं, उसके जो धार्मिक मूल्य हैं, उसके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी सारे जो समूह हैं उनके सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभुत्वशाली समूह के या डोमिनेंट ग्रुप के सांस्कृतिक मूल्यों को खतरा है। तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका दमन होने लगता है, और यही स्थिति
हमने फासीवाद पर विस्तार से अध्ययन किया है, यही स्थिति आई जर्मनी में नाजी दौर में, जहां पर एक चरम राष्ट्रवाद को अपनाया गया जिसमें कि राष्ट्र को परम सत्य के रूप में देखा गया और राष्ट्र के रूप में जो प्रभुत्वशाली समूह था, यानी कि जो जर्मन लोगों का जिसे हिटलर ने आर्य नस्ल के रूप में परिभाषित किया उसका समूह था, उसने अन्य नस्लों का दमन किया, विशेष रूप से ज्यूज का, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। तो वास्तव में जो कंजर्वेटिव नेशनलिज्म है वो अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यह बोलना चाह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव नेशनलिज्म के जो कुछ प्रमुख कारक हैं वो जब और ज्यादा रिग्रेसिव हो जाते हैं, प्रतिगामी हो जाते हैं, तो उनमें यह खतरा मौजूद होता है कि वो एक चरम राष्ट्रवाद की तरफ चले जाए और जिसके कारण से जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं उनके लिए काफी खतरे की स्थिति बन जाती है। तो ये इसमें संभावना है, वास्तव में जो कंजर्वेटिव नेशनलिज्म है वह इससे अलग एक चीज के रूप में होती है। एक विस्तारवादी राष्ट्रवाद भी है और इसमें और ये भी काफी हद तक फासीवाद और नाचीवाद जैसे विचारों से उभर कर सामने आया है। उपनिवेशवाद के दौरान भी हम इसको देख सकते हैं, जिसमें कि यह माना जाता है कि जिस राष्ट्र के हम हैं उस राष्ट्र की डिग्निटी के लिए, उस राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, उस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए यह जरूरी है कि हम अपने राष्ट्र का लगातार विस्तार करें। और इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। उपनिवेशवाद के दौर में जो फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हिंदुस्तान के भीतर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए संघर्ष हुआ, पुर्तगाली भी उसमें भागीदारी कर रहे थे। नाजीवाद और फासीवाद में भी एक समय के बाद अपने विस्तार की रणनीति अपनाई गई कि जो जर्मन या इटली का जो राष्ट्रवाद है उसके झंडे दूसरे देशों में गाड़े जाए। तो ये एक जो विस्तारवादी राष्ट्रवाद है वह एक प्रकार का राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की एक धारा है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि कभी भी इस तरह का राष्ट्रवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कई बार हम यह देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर कई देश ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों को अपने में मिला लेने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो वह भी एक विस्तारवादी राष्ट्रवाद का ही एक बुनियादी उदाहरण था। तो विस्तारवादी राष्ट्रवाद राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्र के की गरिमा, अपने देश के गौरव को स्थापित करने के लिए अपने राष्ट्र का विस्तार करना दूसरे देशों पर कब्जा करके, तो ये एक प्रमुख धारा है राष्ट्रवाद की। और इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें, जैसे कि मैंने आपको काफी कुछ बताया भी, शब्दों के रूप में व्यक्त करें तो इसमें एक चरम राष्ट्रवाद होता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म बहिष्करणवादी होता है, कई सारे समूहों को अपने से अलग करता है और एक खास तरीके से राष्ट्र को परिभाषित किया जाता है, राष्ट्रीय हित को प्रमुखता दी जाती है, जो कुछ भी किया जाता है वो राष्ट्रीय हित के हिसाब से किया जाता है। हालांकि दूसरी राष्ट्रवाद में भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय हित दूसरे देशों को अपने में मिला लेने के आधार पर होता है। यहाँ पर जो नेशंस होते हैं उनकी हायरार्की में विश्वास किया जाता है, सत्तावाद या अथॉरिटेरियनिज्म का शासन होता है, शुद्ध सांस्कृतिक जातीय सांस्कृतिक शुद्धता पर जोड़ी जाती है, यानी कि जो राष्ट्र विस्तारवादी राष्ट्र होगा वह विस्तारवादी राष्ट्रवाद को जो राष्ट्र अपनाएगा वह मानेगा कि उसका जो नस्ल है वो सबसे उच्चतर है और इसी को वो विस्तार करना चाहता है। साम्राज्यवाद की स्थिति होगी और शक्ति की राजनीति इसमें जोड़ दिया जाएगा। एक अन्य प्रकार की राजनीतिक धारा है उपनिवेश विरोधी और उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद की, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अभी आप इस बात को समझ कर रखें कि 20वीं सदी के पहले भाग में बहुत सारे देशों में, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, हमारा अपना देश भारत भी शामिल था, वहां पर उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद का उभर कर सामने आया, जिसमें कि उपनिवेशवाद का विरोध इस आधार पर किया गया कि हम जो एक राष्ट्र है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान या भारत, उस पर विदेशियों का शासन है और उसे यहाँ से हटाने की जरूरत है। और बाद में उपनिवेशवादी शासन के समाप्त हो जाने के बाद भी उत्तर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के रूप में एक ऐसी स्थिति उभर कर सामने आई जिसमें राष्ट्रवाद का अलग अलग तरीके से विकास हुआ। और उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद की बात करें तो उसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं आई हैं, तो उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके की चुनौतियों का वो सामना कर रहा है। और हम यह कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के जो राष्ट्र रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसकी चुनौतियां
अलग रही हैं और उसने उन चुनौतियों का अलग तरीके से सामना किया है। भारत ने उसका अलग तरीके से सामना किया है। संस्थाओं का निर्माण कैसे हो, लोगों के भीतर एकजुटता की भावना कैसे भरी जाए, जो लोगों के भीतर पृथकतावाद की प्रवृत्ति कई समूहों में आ रही है उन्हें कैसे समायोजित किया जाए, ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका सामना उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद को करना पड़ा है। तो हम इन पहलुओं को भारत के संदर्भ में अगले अपनी चर्चा में विस्तार से देखेंगे। राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद के बीच संबंधों को समझना भी काफी महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद को एक बुर्जुआ विचार के रूप में देखता है। मार्क्सवाद मानता है कि राष्ट्रवाद व्यक्तियों को एक पहचान देता है या इन्हें एक समतावादी और एकजुट दिखने वाले समुदाय से जुड़ने का साधन देता है। इसकी इस आधार पर मार्क्सवादी आलोचना करते हैं कि राष्ट्रों के भीतर खुद गहरी असमानताएं होती हैं और आधुनिक दुनिया और पूंजीवादी दुनिया की वास्तविकता को यह नहीं दिखाता है बल्कि यह इसको छिपाने की कोशिश करता है। क्योंकि कई बार जब यह कहा जाता है कि सभी लोग एक राष्ट्र के सदस्य हैं तो वो उस असमानता को छुपाने का साधन भी बन जाता है जो कि वास्तव में राष्ट्र के भीतर मौजूद है। तो हम और हमारे देश के पूंजीपति अरबपति जो है वो अगर एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं और इसके आधार पर बार बार वो अपने शोषण को छिपाकर कहीं और ले जा पाते हैं तो यह एक तरीके से राष्ट्रवाद के छलावे के नाम पर भी कई बार हो जाता है, ऐसी बात मार्क्सवादी करते हैं। एरिक हॉब्सबॉम का मानना है कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद के विकास के एक खास चरण का लक्षण है। राष्ट्र प्रभुत्वशाली वर्ग डोमिनेंट क्लास अर्थात बुर्जुआ क्लास को एकजुट करता है। जब बुर्जुआ वर्ग और आम जनता के बीच झूठी सामुदायिक भावना उत्पन्न करता है और शोषण को छिपाता है। बेनेडिक्ट एंडरसन, जिनके बारे में मैंने पीछे उल्लेख किया था, उन्होंने अपनी पुस्तक इमेजिनड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिंस एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस में राष्ट्रवाद के बारे में विचार व्यक्त किया है और उन्होंने इसी आधार पर राष्ट्रवाद को एक काल्पनिक समुदाय की संज्ञा दी है जिसका निर्माण किया जाता है। उनके अनुसार सबसे छोटे राष्ट्र के सदस्य भी अपने राष्ट्र के अधिकांश दूसरे सदस्यों के बारे में नहीं जानते हैं, वे ना कभी उनसे मिलते हैं और ना उनकी आवाज सुनते हैं। इसके बावजूद हर सदस्य के दिमाग में अपने राष्ट्र की छवि बसी रहती है। हर राष्ट्र में कायम गहरी असमानता के बावजूद राष्ट्र को गहरे और समस्तरीय बंधुत्व का पर्याय माना जाता है। बंधुत्व की इस भावना ने ही पिछले दो सदियों में राष्ट्र को कायम रखा है। ये तो एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो गया। जैसे कि अगर हम बेनेडिक्ट एंडरसन को ध्यान दे तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि एक राष्ट्र के भीतर रहने वाले लोग एक दूसरे से आमतौर पर नहीं मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर एक तरह की जुड़ाव की भावना होती है और यह जो जुड़ाव है वो एक क्रिएटेड चीज है और उससे कई बार जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं वो फायदा ले जाते हैं, उन्हें फायदा हो जाता है। लेकिन मार्क्सवाद के भीतर यह प्रवृत्ति भी है या ऐसे उदाहरण भी हैं जब बहुत सारे क्रांतिकारी मार्क्सवादियों ने राष्ट्रवाद को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया लोगों को एकजुट करने और पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। मिसाल के तौर पर हम बात कर सकते हैं फिडेल कास्ट्रो की क्यूबा में, और जिन्होंने कि क्यूबा में क्रांति के दौरान एक तरीके की एक इंडिजिनस राष्ट्रवाद की स्थापना की और एक मार्क्सवादी राष्ट्रवाद की जहां पर कि लोगों ने एक असमान शासन या शोषण युक्त शासन को हटाने के लिए राष्ट्रवाद की धारणा का इस्तेमाल किया। और बाद के दौर में भी अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन और चीन के बीच 1970 के दशक में टकराव की स्थिति आई और इसके अलावा अगर हम देखें कि चीन जिस तरीके से व्यवहार करता है या फिर अन्य कम्युनिस्ट राज्य जो हुए उनका जिस तरीके से व्यवहार था उसमें राष्ट्रवाद की एक भावना की भूमिका थी कि जो हम चीन के लोग हैं या हम सोवियत यूनियन के लोग हैं हमारा हित जो है वो अगर टकराता है किसी दूसरे कम्युनिस्ट देश से ही तो हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। तो इसमें एक राष्ट्रवाद की भूमिका रही है। तो ऐसा ये असल में राष्ट्रवाद के विचार के काफी गहरे प्रभाव को ही दिखाता है। इस पूरी चर्चा को रोकने से पहले इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद जो है वो एक गहरे विचार के रूप में हमारे जीवन का भाग बन चुका है और हम यह देखते हैं कि रोज रोज की जीवन में जो हमारी गतिविधियां होती हैं उसमें भी राष्ट्रवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक तरह से जो उदारवादी मूल्य हैं वो काफी हद तक राष्ट्रवाद को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं लेकिन कई बार राष्ट्रवाद के साथ यह खतरा रहता है कि वह हमें एक ऐसे सांचे में ढाल दे जहां हम खुद को दूसरों से अलग माने और ऐसा अलग मानते हुए हम घृणा या नफरत की राजनीति की ओर आगे बढ़े या हम एक
बहिष्करण की राजनीति की ओर आगे बढ़े, जिसमें बहुत सारे समुदायों को जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें अपने राष्ट्र की अवधारणा से अलग कर दें। तो यह संभावना जो है वो राष्ट्रवाद के विचार के भीतर बसा हुआ है। तो आगे की जो हमारी चर्चा है उसमें हम विस्तार से देखेंगे कि हिंदुस्तान के संदर्भ में और कुछ अन्य जो पहलू हैं राष्ट्रवाद के उनके संदर्भ में कैसे राष्ट्रवाद के समकालीन स्वरूप को हम देख सकते हैं, और विशेष रूप से हम भारत पर ध्यान देंगे पर कुछ अन्य उदाहरणों की भी बात करेंगे। आज की इस पूरी चर्चा को मैं यहीं रोक रहा हूँ और अगले चर्चा में हम मिलेंगे और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि राष्ट्रवाद का अनुभव जो है उत्तर औपनिवेशिक देशों में विशेष रूप से भारत में कैसा रहा, और कुछ अन्य पहलू अगर महत्वपूर्ण होंगे तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।